देखिए पर्सनली अगर आप मुझे जानते हैं और मेरे स्टाइलिंग टेस्ट को जानते हैं, आई ऑलवेज लव होम ग्रोन ब्रांड्स एंड ऑफ कोर्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं. दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि ये पॉप अप एग्जीबिशन मेरी बड़ी ही फेवरेट है. ऑफ कोर्स रंगीन कपड़े हैं क्योंकि नाम ही रंगीन पिटारा है. फिलहाल रंग तो ढेर सारे हैं एंटरटेनमेंट के कुमकुम भाग्य में भी. आइए आपको लिए चलते हैं ठीक वहां. बाय द वे मोनिशा जो है वो पूर्वी पर राशन पानी लेके चढ़ गई है. द गुड थिंग इज आरवी पूर्वी को सपोर्ट कर रहे हैं. भाई आज सूरज कहां से निकला है? अच्छा गलत ये क्यों है? जबकि सबूत सबके सामने है और तुम ऐसे ही कह रही हो पर तुम्हारी बात मान ली जाए, तुम पे विश्वास किया जाए. क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम सही कह रही हो. है कोई सबूत? लगता है हमारे साथ साथ प्राची और पूर्वी भगवान जी की भी फेवरेट है क्योंकि वो उन्हें जितनी मुश्किलें देते हैं उन मुश्किलों को पार करने का रास्ता भी दिखाते हैं. और जब अपनों का साथ हो तो सीरियल की बहू किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है. एक तरफ प्राची पैसों को लेकर परेशान है तो पूर्वी पर मोनिशा ने लगाए है आरोप. लेकिन आज दोनों को ही मिला है उनके अपनों का साथ. प्राची को 25 लाख का कर्जा चुकाना है, ऐसे में वो पैसों का इंतजाम करने में जुड़ी है और उसकी माँ कदम कदम पर उसका साथ दे रही है. अब जल्द ही प्राची कोई न कोई तरकीब निकाल ही लेगी पैसे जुटाने की. का सारा क्रेडिट इसे मिल गया, सारी तारीफें इसे मिल गई, पर यही चाहती थी ये, यही इसका असली मकसद था. ओए बस करो यार, बेवकूफों वाली हरकतें किए जा रही, किए जा रही. पूर्वी ने कुछ नहीं किया, वो ऐसा कर ही नहीं सकती. आसमान से टपकी है, देख नहीं रहते, सुन नहीं रहते. मिस्टर एंड मिसेस मेहरा ने साफ साफ कहा है कि हमें ये प्रोजेक्ट सिर्फ पूर्वी की वजह से. इधर पूर्वी पर मोनिशा ने लगा दिया है बड़ा इल्जाम सारे घर वालों के सामने. दरअसल मोनिशा सभी घर वालों को बताती है कि जिस रेस्टोरेंट से गेस्ट के लिए खाना मंगवाया जा रहा था पूर्वी ने वहां कॉल कर खाना लेट से लाने के लिए कहा. लेकिन सच तो ये है कि मोनिशा ने खुद ही पूर्वी के नंबर से कॉल किया था और ऐसे में सारा का सारा इल्जाम लगा दिया पूर्वी पर. सो एक्चुअली सारे NRI चले गए हैं, डील हमें मिल चुकी है. लेकिन ऑफ कोर्स मोनिशा को अच्छा नहीं लगा है, उसका ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ है क्योंकि हमेशा से आई थिंक वही डील्स ब्रेक करती थी, इस बार पूर्वी है. तो खाना भी अच्छा बन गया, उसने नमक की जगह शक्कर डलवाई, वो भी मैंने देख लिया कि उसने जो भी किया, तो मैंने खाना लास्ट में सब अच्छा कर लिया. अब इल्ज़ाम तो लगाना ही था क्योंकि मोनिशा को जलन जो हो रही है. अब पूर्वी को घर वालों का इतना प्यार मिल रहा है उसकी वजह से ही ये डील पक्की हुई है. लेकिन आज पूर्वी को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज उसके साथ है आरवी. जी हाँ, वो ही आरवी जो कि हमेशा उससे लड़ता रहता है, लेकिन आज तो खुल्लम खुल्ला अपनी पत्नी का साथ देता हुआ नजर आ रहा है. अभी मेरे फोन से जो रेस्टोरेंट से खाना आने वाला था वो टाइम पर नहीं आता है, तो वो फैमिली वालों को कहती है कि मैंने ही रेस्टोरेंट में कॉल करके बोला है कि खाना नहीं चाहिए, जबकि उसने मेरे फ़ोन से पूर्वी बन के बात की है. तो ऑफकोर्स शेफ़ के पास मेरा नंबर गया है और वो यहाँ के प्रूफ करता है और मेरा ही फ़ोन बचता है, तो सबको यही लग रहा है कि मैंने कुछ किया है. बट आरवी मेरा स्टैंड लेता है और आई थिंक बाकी के जो भी मेल्स हैं वो लोग कहते हैं कि इस बात को जान देते हैं, डील मिल गई है, खुश रहते हैं. लेकिन पूर्वी के दिमाग में बात चढ़ गई है कि हुआ कैसे, और वो सबको बोलती है कि वो सबके सामने प्रूफ करेगी. तो वहीं घर के सभी मर्दों का भी यही मानना है कि पूर्वी की वजह से ही तो डील पक्की हुई है, अब ऐसे में वो ऐसा क्यों ही करेगी. लेकिन मोनिशा को तो मिर्ची लगी है क्योंकि पूर्वी ने सबका दिल जो जीत लिया है, अब ऐसे में वो पूर्वी को गलत साबित कर ही रहेगी. लेकिन जब पूर्वी के पास आरवी का साथ है तो उसे और क्या चाहिए. मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट. ABP News, आपको रखे आगे.